हेलो दोस्तों, वाइड रॉड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसी भी हार्ड डिस्क पार्टीशन को कैसे हाइड करें जिससे कि वो हमारे कंप्यूटर में या हमारे कंप्यूटर में कहीं भी शो ना हो या एक्सेसिबल ना हो। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। जैसे हमने हमारे कंप्यूटर खोला, हमारे पास यहाँ पे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है और एफ ड्राइव है। तो अगर आप चाहते हैं जैसे कि आपके पीसी में कुछ ड्राइव्स हैं या पार्टीशन हैं हार्ड ड्राइव के, उसमें से कोई एक पार्टीशन जैसे कि आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको आप हाइड कर देते हैं जिससे कि कोई उसे एक्सेस ना कर पाए या कोई देख ही ना पाए, वो शो भी ना हो। तो देखते हैं ये कैसे हम अचीव करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखेगा जिससे कि आप ये जान पाएं कम्प्लीटली किसे कैसे करते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी स्टेप गलत होता है या आप कुछ भी गलत करते हैं तो इससे आपका हार्ड ड्राइव का डेटा लॉस होने की भी चांसेस है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और एंड तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आप वाइडर चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इनकी वाली ड्राइव, ये है एफ ड्राइव। मैं नहीं चाहता कि जो भी मेरे पीसी को यूज़ करे या ना भी करे बट फिर भी इसका डेटा ना शो हो, इन शॉर्ट वर्ड्स ये एक्सेसिबल ही ना हो। तो हम इसके लिए विंडोज़ के आइकन पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ को मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एफ ड्राइव ये रहा, हमें इसे हाइड करना है। और हाइड करने से पहले ध्यान दीजिए कि इसमें कोई प्रोग्राम्स आपके इंस्टॉल्ड ना हो तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इसे हाइड कर देंगे तो आपके सारे प्रोग्राम नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये एफ ड्राइव रिमूव करना चाहता हूँ या हाइड करना चाहता हूँ अपने सिस्टम से जिससे कि कोई इसे एक्सेस ना कर पाए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पर सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर इसको अलॉट होगा एफ ड्राइव, तो हम इसके यहाँ से एफ को रिमूव कर देंगे। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, जब तक कि किसी भी ड्राइव को या पार्टीशन को कोई लेटर असाइन नहीं होगा वो शो ही नहीं होगी। तो हम सिर्फ इसकी एलोकेशन को जो कि इसको एफ लेटर एलोकेट हुआ है उसको हम सिर्फ रिमूव कर देंगे। इससे होगा ये कि हमारे माई कंप्यूटर पे ये शो ही नहीं होगा। एक्चुअली मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर एफ ड्राइव शो हो रही है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पर सेलेक्ट करेंगे और इस एफ को सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये कह रहा है कि अगर आपने इस ड्राइव पे या इस पार्टीशन पे कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किए होंगे तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये बंद हो जाएगी बिल्कुल काम करना ये पार्टीशन। तो अगर इस पर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल हो तो ऐसा ना करें, हम ये सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से एफ लेटर हट चुका है, मतलब अभी से कोई लेटर एलोकेट नहीं है। जब कोई ड्राइव लेटर एलोकेट नहीं है तो ये शो ही नहीं करेगा। देखिए ई के बाद एफ नहीं है तो अभी एक्सेसिबल ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम सी ड्राइव खोलते हैं, इस सी ड्राइव का पाथ है, हमें देना एफ ड्राइव का पाथ, यहाँ पे कोई एफ ड्राइव है ही नहीं तो ये आपकी ओपन नहीं होगी। अब मान लीजिए आपको अनहाइड करना है दोबारा से, आपको शो करना है, आप इसे शो करना चाहते हैं तो फिर से डिस्क मैनेजमेंट टूल को ओपन करेंगे और जिसको भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सेम वही चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है ऐसे कोई लेटर अलाउड नहीं होगा, तो हम इसे एक नया लेटर अलाउड करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए आपको बाकी कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना है, असाइन द फॉलोइंग लेटर ड्राइव पे करना है कि इसे एक नया लेटर असाइन हो जाए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है एफ, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, ओके कर देंगे बस। तो देखिए यहाँ पे एफ आ गया है और यहाँ पे भी हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एफ ड्राइव हमारी विजिबल हो चुकी है। सो बस ये इतने सिंपल है। तो आज की वीडियो में ही केवल इतना ही, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। या अगर आपके आपके मन में कोई और सजेशन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।